उसी से वो पहले ले लिया था कि मुख्यमंत्री योगी ढोंगी अगर जिस जमीन पे आ रहे हैं हम गंगा जल ले जा करके वहाँ पवित्र करेंगे। हम गंगा जल आज लेके आए थे और गंगा जल से आज हमने जो है जहाँ जहाँ इस ढोंगी के चरण पड़े, जहाँ जहाँ उन्होंने कदम रखे, आज हमने जो है इस गंगा जल से सबको पवित्र किया है, गंगा जल से शुद्ध किया है। क्योंकि अशुद्ध करके चले गए थे, झूठे वादे करते हैं, जुमलेबाजी करते हैं। कोई भी योजना संभल के लिए देखे गए तो बता दीजिए, बबराले में एक बस अड्डा बनवाया था समाजवादी सरकार में, उस बस अड्डे को उन्होंने जो है आगे चलने नहीं दिया इस सरकार ने। उसके बाद तमाम अखिलेश जी जो है बीएससी का कॉलेज जो है एमए का कॉलेज जो दे करके गए थे उसी बबराले के डिग्री कॉलेज को, लेकिन उन्होंने उसे आगे नहीं बढ़ाया। वहाँ फ्लाईओवर जो है बदायूं में बनना था, उस गन्नौर बदायूं में फ्लाईओवर वो जितना बना समाजवादी सरकार में उतना ही अभी तक बना है। मेडिकल कॉलेज जो है समाजवादी, जबकि कोरोना काल में आपने देखा होगा संभल की जनता किस तरीके से, संभल बदायूं की जनता किस तरीके से जो है यहाँ परेशान रही थी, दवाइयों के लिए भटकी थी, लेकिन इस सरकार में कोई सुविधा जो उसको नहीं मिल पाई। तो जो योगी जी कल झूठी लब्बाजी करने आए थे उसी के लिए हम जो है जो उन्होंने जो अशुद्ध इस जमीन को किया, हमने जो गंगा जल ला करके आज इसको शुद्ध किया है। ये हमारे सभी नौजवान कार्यकर्ता हैं, ये राजू भाई हमारे, वीरेश भाई हैं, और ये जो है संजीव भाई हैं, सभी यहाँ जो है समाज में अजय भाई हैं, ये सभी जो है सतवीर भाई हैं, और यहाँ पर ये गिरिराज भाई हैं, और यहाँ हरवीर भाई हैं, सभी समाजवादी सभी मौजूदा कार्यकर्ता सभी ने मिलकर के जो है नौजवान कार्यकर्ता संभल के यहाँ जो है गंगा जल से आज शुद्धिकरण किया है। और योगी जी तक हम लोग अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं कि संभल में आप आकर के जो झूठे लप्पा जी जो आप करके गए, कोई संभल की जनता